रेस्टोरेंट्स बॉयल्स लॉ जो है वो हमने डिस्कस किया। अब जो है हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स है, यानी बॉयल के जो कानून की वो तजुर्बाती तस्दीक जिसको कहते हैं वो उसको डिस्कस करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली by the following series of experiments. Let's take some mass of a gas in a cylinder having a movable piston and observe the effect of increase of pressure on its volume. The phenomena is represented in figure. When the pressure of 2 atmosphere is applied, the volume of the gas reads as 1 dm cube. dm for decimeter. So when pressure is increased equivalent to 4 atm atmospheric, the volume of the gas reduces to 0.5 dm cube. Again when pressure is increased 3 times, so that is 6 atmospheric, the volume reduces to 0.33 dm cube. So similarly, when pressure is increased up to 8 atmospheric on the piston, the volume of the gas decreases to 0.25 dm cube. It means ke gas ke volume aur pressure mein relation ki jo tasdeeq wo kuch experiment se ki ja sakti hai, inke unko kuch experiment se verify unko prove kiya ja sakta hai. तो चलिए कुछ ऐसे सिलेंडर्स में जिनके जो पिस्टन होते हैं वो हरकत कर सकते हैं, सिलेंडर्स के ऊपर जो पिस्टन लगे होते हैं वो मूवेबल होने चाहिए। सो गैस का कुछ मास लेते हैं हम और उसके वॉल्यूम पर बढ़ते हुए प्रेशर के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। जब गैस पर 2 एटीएम प्रेशर डाला जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूबिक होता है। जब प्रेशर को 4 एटीएम तक बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो 0.5 डीएम क्यूब हो जाता है। जब इस प्रेशर को 6 एटीएम किया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो 0.33 डीएम क्यूब हो जाता है। प्रेशर जब 8 एटीएम तक चला जाता है, यानी कि 8 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने पर गैस का वॉल्यूम 0.25 डीएम क्यूब हो जाता है। यहाँ पर कुछ जो फिगर है उसको देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जो नज़र आ रहे हैं, ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, ये प्रेशर में इजाफे से वॉल्यूम में कमी को जो है वो शो करती है। द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी को जो है यहाँ पर जो है वो ये फिगर जो है वो शो कर रही है। ये कुछ सिलेंडर्स हैं हमने डिफरेंट लिए हुए चार, तो उनके ऊपर जब कुछ पिस्टन्स लगे हुए हैं और वो मूवेबल हैं, यानी कि जो हरकत कर सकते हैं, ऐसे पिस्टन्स हमने लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर जो सिलेंडर आ रहा है वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ 2 एटीएम, यानी कि जब हमने 2 एटीएम प्रेशर जब हमने किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, यानी कि 2 से हमने प्रेशर क्या कर दिया 4, यानी कि उससे दो गुना ज़्यादा प्रेशर कर दिया। हमारे पास प्रेशर क्या आ गया 4 एटमोसफेरिक, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि इधर 1 था हमारे पास जब 2 था हमारे पास प्रेशर, अब 4 हमारे पास प्रेशर है 4 एटीएम, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना रह गया, हमारे पास वॉल्यूम रह गया 0.5 डीएम क्यूब, ठीक है। इसी तरह जब हमने और प्रेशर बढ़ाया, जब हमने प्रेशर किया 6 एटीएम, यानी कि 6 एटमोसफेरिक जो हमने जब प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो हमारे पास वॉल्यूम और कम हो गया, कितना रह गया हमारे पास वॉल्यूम 0.33 डीएम क्यूब, ठीक है। अब हमने और प्रेशर इंक्रीज किया, यानी कि हमने प्रेशर कितना कर दिया 8 एटीएम 8 एटमोसफेरिक, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो मज़ीद कम हो गया, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम रह गया वो 0.25
क्यूब डेसीमीटर, ठीक है। सो व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इज कॉन्स्टेंट, दैट इज 2 ATM dm³। इट प्रूव्स द बॉयल्स लॉ। जी स्टूडेंट्स, ये जो अभी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, इसका मतलब है कि जब इन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्टेंट हमने वॉल्यूम और प्रेशर का जो है वो प्रोडक्ट हासिल किया, तो वो इन तमाम एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्स्टेंट था, तमाम जो तजर्बात हमने किए उनके लिए कॉन्स्टेंट था, यानी 2 एटमोस्फेरिक क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये जो है ये बॉयल के कानून को साबित करता है। वो कैसे, यहाँ पर दो कैसे है, दो जो है वो स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं P1V1 = 2। P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। P2 जो है वो आप यहाँ पर जो वैसे तो हमने पीछे पढ़ा फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर आप उसका जो सेकंड कर लें, सेकंड प्रेशर। P3V3 जो हमने थर्ड सिलेंडर लिया उसमें हमने किया, और P4V4 जो हमने फोर्थ सिलेंडर लिया उसमें किया। अब हमने देखना क्या कि ये 2 जो है ये 2 कैसे है और ये बॉयल्स लॉ को कैसे साबित करता है, ठीक है। 2 जो जैसा कि मैंने कहा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर है, P1V1 = 2। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 से कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि जब हमने 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमने रखा था, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना था, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने 2 को अगर हम मैथमेटिकली अगर देखें, 1 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। सो हमारे पास 2 एटमोस्फेरिक dm³ आ गया। पहले वाले का आंसर भी 2 है, ठीक है। अब सेकंड वन हम देखते हैं, जब हमने प्रेशर बढ़ाकर 4 ATM किया था, जब हमने 4 ATM किया था तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया था, हमारे पास वॉल्यूम आया था 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। अब अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो हमारे पास आंसर तब भी 2 ही आता है, 2 एटमोस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब थर्ड वन पे आते हैं हम, P3V3, यानी कि थर्ड प्रेशर और वॉल्यूम क्या था हमारे पास, हमारे पास 6 था, हमने प्रेशर बढ़ाकर 2 से 4 किया, फिर 4 से हमने 6 किया, तो 6 जब हमने प्रेशर 6 किया एटमोस्फेरिक, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना रह गया था, हमारे पास वॉल्यूम था 0.33 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 0.33 डेसीमीटर क्यूब से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 एटमोस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब आएगा। इसी तरह P4V4 जो था हमारे पास, इसमें हमने क्या किया, हमने 8 तक जो है वो प्रेशर बढ़ाया था, 8 एटमोस्फेरिक। तो जब हमने 8 तक प्रेशर बढ़ाया था, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया था, हमारे पास वॉल्यूम आया था 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 0.25 डेसीमीटर क्यूब से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2 ATM dm³, ठीक है। अब सबका आंसर 2 आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया था 2 जो है वो स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जो बॉयल्स का लॉ है जो वो प्रूफ हो जाता है, यानी कि एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी कम हो जाती है, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा आज का लेसन। थैंक यू सो मच।